हम थे, 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 हम थे। राजू की तरह हाथ उठा सकते हो। हम थे, 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 हम थे। क्यों है? एक स्टार्ट। हम क्या रोकने के लिए किसको लगता है कि हमसे संवाद करना है? आइए, किसको लगता है हमसे संवाद करना है? यस, आप देखिएगा, आप यहाँ है, हम सबको भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंटरव्यू कर रही हैं एक डॉक्टर का, मैं डॉक्टर की बात करने वाला हूं, और आपका काम है कि 10 सेकंड्स में आप मुझे कमिट कराएं कि हम सेक्स सिलेक्शन और उसके बाद अबॉर्शन बंद करें। समय किसको समझ में आया? आई फिर आपके साथ संवाद में बात करें। यस, सुनिएगा ध्यान से, ट्रिक देखिए कि आप मरवा, एक घंटे तक आपने इंटरव्यू दिया और हाँ, एक घंटे तक बात किया और मालूम पड़ा कि हाथ में कुछ नहीं आया है। यस, स्टार्ट। नमस्कार डॉक्टर, मी पत्रकार आहे राजू पुरी, मला काही तुम्हाला थोडे प्रश्न विचारायचे। आतापर्यंत तुमच्याकडे ज्या बालपणाला स्त्रिया येतात, दोन मिनिट का इंटरव्ह्यू आहे, किती देर हो गई, देखिएगा इम्पॉर्टंट आहे। तुमच्याकडे ज्या बालपणाला स्त्रिया येतात त्यांचं साधारण प्रमाण किती आहे? कुठला प्रमाण? स्त्रिया बालपणाला येतात त्यांचं प्रमाण किती आहे? किती प्रमाण आहे? कशाचं? बालपणाचं। बालपणाला येतात साधारण मुलींचं प्रमाण किती असलं पाहिजे? मी तुम्हाला तेच विचारतोय। माझ्याकडे मुली येत नाही, मुली येत नाही, मग बालपणाला कोण येतो? थँक्यू। नाव दिस लर्न व्हेरी व्हेरी इफेक्टिव्हली, ओके? नाव हू वॉन्ट टू इंटरव्ह्यू मी? आय एम कमिंग एज अ पॉलिटिशियन, या स्वास्थ्य मंत्री बोले, कौन? हू वॉन्ट टू इंटरव्ह्यू मी? यस आई, आप तो दोनों आ जाएंगे। चलिए, यस स्टार्ट। नमस्ते सर, मैं तुमसे इंटरव्यू, तुम्ही स्वास्थ्य मंत्री आहात, तर आपल्या देशामध्ये जे स्त्री भ्रूण हत्येचं प्रमाण वाढत चाललेलं आहे त्याबद्दल तुम्ही काय करू शकता? काय अनुपात काय स्त्री आणि मुलांचं? स्त्री भ्रूण हत्या प्रमाण किती आहे आपल्याकडे? आपल्याकडे मुली 1000 मुलांच्या मध्ये 927 मुली आहेत। 927 आहेत ना, म्हणजे एवढ्या वर्षात आपण किती मोठं काम केलं आहे। पण पुढे येऊ शकतो, करूया ना आपण, आणि हे तर समाजाची जबाबदारी आहे ना, यामध्ये राजकारण कुठे आहे? राजकारण मैं डिस्टर्ब यू नाही, वो तो डिस्टर्ब करना है। ओके, अगर आप अभी आप जो बोल रहे हैं एज अ नेता बोल रहे हैं, तो ये नेता आपने आपको किसने चुना के दिया है? किसने समाज ने दिया है? हाँ, जो पैदा हुए हैं, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, उन्हें पूछना चाहते हैं कि आप स्त्रियों के लिए आप क्या सुविधा लाते हैं? उनके लिए हमने आंगनवाड़ी का प्रोग्राम शुरू किया है, उनके लिए हमने टीकाकरण शुरू किया है, उनके लिए हमने विधवा पेंशन शुरू किया है। हमारा जो प्रश्न है भ्रूण हत्या, ओके, टाइम इज अप। कौन इंटरव्यू करना चाहता मुझे? चेंज माय रोल, चेंज माय रोल सर। अभी कौन सा बोल रहे हो? पता नहीं, हु वुड लाइक टू कैच द बुल बाय हॉर्न की हार्ट था कौन? मी डॉक्टर म्हणून परत येणार, कोण हे कमिट करायगा की येस इट इज अ फॉल्ट विच आय एम डूइंग द इल प्रॅक्टिसेस? कोण जगायगा हमारी आत्मा को? कोण इंटरव्ह्यू लेणार? आई येस डॉक्टर, आपके इधर जो पेशेंट आते हैं, जो डीलरी आती है, जो मीन्स लड़की आती है, वो कितना सक्सेस करते हैं और किसका कितना मीन्स अबॉर्शन करते हैं, आप अच्छे से बताइए। हमारे यहाँ तो कोई इस तरह का प्रकरण जरूर आते हैं, आप लोग बराबर हमको मालूम नहीं करते, पता नहीं बताते उसका ठीक से,
जो इनडायरेक्टली डेमोक्रेटिक से लेकर। देखिए मैडम ऐसा है, आपने क्या हमारा रिकॉर्ड चेक किया? रिकॉर्ड चेक करने के बाद में आप सही नहीं बताते हो, गलत बता देते हो। ये तो आप इल्जाम लगा। बिल्कुल नहीं इल्जाम है, ये 100% सही है, यही है, ये 100% सही है। चलिए देखिए, इल्जाम लगाना है तो आप सबूतों के आधार पर लगाइए, नहीं तो मेरा पेशेंट वेट करा, देखो एक बाइक की डिलीवरी होने वाली है, आई हैव टू गो, थैंक यू बाय। और कोई आपकी आपकी खुद की बेटी है और उसके पेट में लड़की है, ये आपको पता है, उस वक्त भी आप लड़की को मारेंगे? जिस तरह आप दूसरों की लड़कियां को मारते हो, अपनी बच्ची की लड़की को भी मारोगे? या आपकी खुद की बच्ची जन्म देने वाली है, क्या आपको आप उसे भी मार डालोगे? बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए डॉक्टर, चुप बैठिए। एक देखिए, अब मैं थोड़ा सा प्रश्न आड़ावा इतक।